आ जाए। हम सब ने अभी सुंदर कांड का श्रवण किया है। रामचरितमानस में केवल यही एक अध्याय है जिसको सुंदर कांड कहते हैं। ये सुंदर क्यों है? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का जो हमारा दर्शन है उस दर्शन का मूल आधार है। हम सब ने इस सृष्टि को और प्रकृति को ये मातृ स्वरूप माना है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, माता का स्वरूप है, और इसलिए संसार में केवल मात्र ऐसा देश भारत है जिसने स्त्री को देवी शक्ति इस रूप में पूजा है। अपने यहाँ पर कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार है उसका एक श्लोक है, वो कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडितः। यानी प्रत्येक स्त्री है उसमें माँ का स्वरूप देखना। परदारेषु, पराई दारा, पराई जो स्त्री है वो माँ के समान है, और पराया धन ये हमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान है। ये जो सुंदरकांड है, ये सुंदरकांड इस नारी की अस्मिता का बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का दिग्दर्शक है। भगवान राम माता सीता को ढूंढ रहे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी पत्नी हैं और उसकी रक्षा करने का वचन उन्होंने सप्तपदी में दिया है। किंतु उनका शोध करने के लिए हनुमान जी जाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अर्थात नारी का सम्मान करने के लिए सर्व सामान्य समाज जागृत होता है, इसको राम का काम कहता है। जब मार्ग में विश्राम की अवस्था आती है तो भी हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। यानी रास्ते में विश्राम भी नहीं लेता। ऐसा जब सर्वसामान्य समाज होता है तब फिर वो देश विश्व गुरु बनता है। और जब पराये धन की ओर कुदृष्टि नहीं होती, अपने अपने कमाए हुए धन का सब उपयोग करते हैं और उसमें से बचे हुए का समाज के लिए खर्च करते हैं, तब वो देश सोने की चिड़िया बनता है। और अपना देश जब विश्व गुरु था तब सोने की चिड़िया भी था। ये दोनों चीजें इस सुंदर कांड से हमको पता चलती है। अगर लोगों की हत्या करके, लोगों को लूट कर स्वर्णमयी लंका बनाते हैं तो भी उसका अंतिम परिणाम जलकर राख होना है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका है ये आजकल लोगों का और आदर्श बन रहा है। हम सब आधुनिक हैं इसलिए अमेरिका की ओर देखते हैं। वो जैसा करता है वो आधुनिकता है, वो जैसा करता है वैसा विकास है। इसके कारण विवेकानंद जी ने वहां जाकर कहा था कि ये जो विकास की अमेरिकन अवधारणा है ये भारतीय अवधारणा के विपरीत आसुरी वृत्ति की अवधारणा है, और इसके कारण से आने वाले समाज में संकट पैदा होगा, विश्व में संकट पैदा होगा। ये विवेकानंद जी ने 1893 में कहा है। उन्होंने 1893 में शिकागो में जब वो गए थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के लोगों का देवता ये डॉलर है, इनके लिए धर्म ड्राइंग रूम में सजाने की एंटिक आइटम जैसा है, और इसलिए ये जो भौतिकता की रेत के ऊपर जो ये महल खड़ा कर रहे हैं ये एक दिन ताश के पत्तों की तरह धराशायी होगा। और आज हम देखते हैं पूरे विश्व में, हम केवल जब गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे तो ध्यान में आता था कि आक्रमण हुए थे तो कैसे आक्रमण हुए होंगे,
वो एक पंक्ति लिखते हैं, खुरासान खसमाना कीना हिंदुस्तान डराइया पाप जुंजले बाबर आइया। बाबर का जब आक्रमण हुआ था, गुरु नानक देव उस समय जीवित थे, उन्होंने उस आक्रमण को देखा, उसकी भयानकता को देखा, और उसके बाद उन्होंने ये लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में यह भी संग्रहित है कि बाबर जब भारत में आया था तो जैसे पाप की बारात लेकर आया, ऐसा अत्याचार उसने किया। कैसा अत्याचार किया? हिंदुस्तान डराइया, पूरे हिंदुस्तान को भयभीत कर दिया उसने। जब ये पहले पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब चारों तरफ और आईएसआईएस का आतंक देखते हैं, किस तरह से महिलाओं को बेचा जाता है बाजार के अंदर, किस तरह से और विद्यार्थियों को पढ़ते हुए गोलियों से भुना जाता है, कैसे लोगों के सर कलम किए जाते हैं, ये सब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि ये भयानकता कैसी है। लेकिन ये भयानकता क्यों है? पिछले दिनों अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आलेख छपा। आलेख ये था कि जो आतंकवादी लड़ रहे हैं, ये कोई वानर भालू की तरह नाखून और गदा इससे तो नहीं लड़ रहे, पत्थरों से नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं आधुनिकतम हथियारों से। और ये आधुनिक हथियार ईरान इराक में तो नहीं बनते, सीरिया में नहीं बनते, ये सब उनके पास बनते हैं जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रवचन करते हैं। वो अमेरिका है, वो फ्रांस है, वो जर्मनी है, वो रूस है, ये सब हथियार बेचते हैं। क्यों बेचते हैं हथियार? क्योंकि इससे पैसा मिलता है। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि अपना जीवन स्तर बनाए रखना है, अपने लोगों को आधुनिकतम सुविधाएं प्रदान करना है। ऐसा जब होता है तो उसके कारण से वहां का समाज आसुरी वृत्ति का समाज बनता है। गीता में भगवान कहते हैं असुर क्या करते हैं, असुर किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि असुर लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, पहला लक्षण होता है उनका। भगवान कहते हैं गीता में, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्य मनोरथम, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये और प्राप्त करने की इच्छा है। इदम अस्ति, ये तो हो गया, इतना तो हो गया। इदम अपि में, ये और आ जाएगा। भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में और धन मेरे पास कितना आएगा, इसकी चिंता करता है। इसकी जब चिंता करता है तो जैसे विश्व में हाहाकार मचता है, ऐसे ही परिवार में भी संकट आते हैं। ये सर्वदूर चलता है। और इस कारण से जहां से मैंने बात प्रारंभ की, इस धन का कुप्रभाव, ये आसुरी वृत्ति भारत में भी परिवारों के अंदर कैसे प्रवेश करने लग गई, ये जो कमाया हुआ धन है इसका अधिकतम उपभोग होना चाहिए, और उपभोग करने के लिए लोगों को बांट कर नहीं खाना है, इसलिए परिवार छोटा होना चाहिए। और परिवार छोटा होने की सीमा कहां है? तो संयुक्त परिवार जो हमारे देश की पहचान थी, वो परिवार समाप्त तो होने लग गए। भारत को अगर कभी बचाया है किसी ने, तो उस परिवार भाव ने बचाया। और अगर भारत नष्ट होगा तो इस परिवार के नष्ट होने से होगा। परिवार छोटा क्यों चाहिए? जब लोगों से बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि परिवार इसलिए छोटा चाहिए कि जितना हमारे पास धन है, जितना अधिक धन कमाते हैं, परिवार में जितने कम सदस्य होंगे उतना ही उनका कैरियर बनेगा, बच्चों का कैरियर बनेगा। बच्चों का कैरियर बनाना है, इसके लिए अधिकतम धन उनके ऊपर खर्च करना है। हेलो, खर्च करके उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी है। लेकिन शिक्षा दिलाकर क्या करना है? शिक्षा दिलाकर उनको अच्छे पैकेज मिलना चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए। यानी धन कमाना उद्देश्य हो गया, बच्चे को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए इसलिए पढ़ाना है, ये नहीं है। बच्चा किस कारण से कहां जाने से अच्छी नौकरी प्राप्त करके अधिक धन कमा सकता है, यह आजकल पढ़ाई का उद्देश्य हो गया। और अधिक धन चाहिए इसलिए परिवार के अंदर भी अधिक सदस्य बांटकर खाने वाले नहीं होने चाहिए।
नहीं होने चाहिए, इसलिए संयुक्त परिवार यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में तो कोई अधिक कमाता है, कोई कम कमाता है और सबको बराबर मिलता है, ये बराबर नहीं मिलना चाहिए। इसलिए परिवार भाव समाप्त होता है और अर्थ असुर हम बनते जाते हैं। बहुत छोटा उदाहरण बताता हूं, दो तीन आपको। मैं भी पिछले दिनों और हिंडौन जिले में गया तो मुझे वहां पर एक गांव में कहा कि हम देखो हमारे गांव का एक प्रगत किसान है, उससे मिलवाते हैं। मैंने कहा क्या प्रगति की उन्होंने? उनका देखो 2 बीघा जमीन है उनके पास और उन्होंने 3 लाख की लौकी अब तक बेच दी। अभी मेरे लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि मैं भी कृषि विषय पढ़ाता हूँ विद्यालय में। 3 लाख की लौकी बेचना ये संभव नहीं होता 2 बीघा में, औसत उत्पादन विश्व का ही नहीं है ये। इसलिए मैंने पूछा, मुझे मालूम है कि कैसे होती है लौकी। वो बहुत बुजुर्ग थे, मैंने पूछा बाबा जी ये लौकी आपने 3 लाख की बेची और अभी तो मौसम शुरू हुआ है, लेकिन लौकी में इंजेक्शन कितने लगाए थे? आप सब में से जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे वो जानते हैं कि लौकी में अगर इतनी सी लौकी आज है उसमें एक इंजेक्शन लगता है ऑक्सीटोसिन, उस इंजेक्शन से गाय भैंस में दूध उतरता है, तो पावसने की क्रिया होती है। वो कृत्रिम इंजेक्शन उसमें जब लगाते हैं तो लौकी अगर आज इतनी सी है तो सुबह तक इतनी लंबी हो सकती है उस इंजेक्शन से। इसलिए वो इंजेक्शन लगा के लौकी और ऐसी सब्जियों में जिनको जल्दी बढ़ाना है दूसरे दिन बाजार में बेचते हैं। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी वो लौकी में इंजेक्शन आपने लगाए थे वो तो जहर फैलाते हैं, आपको पता है क्या? उन्होंने कहा हाँ पता है, लेकिन लौकी तो उसी से बढ़ती है और पैसा उसी से मिलता है। जिस समय की घटना है उसी समय दिल्ली में एक व्यक्ति मर गया था लौकी का जूस पीने से। उसकी पत्नी ने बाबा रामदेव पर केस कर दिया। केस इसलिए किया था कि बाबा रामदेव के कहने से उन्होंने लौकी का जूस पिया। अब लौकी के जूस से व्यक्ति नहीं मरता, व्यक्ति किससे मरा है? व्यक्ति मरा उस जहर के कारण से जो उसमें है। मैंने कहा बाबा जी ये जहर बांट रहे हैं आप घर में भी ये जहर खिलाया क्या आपने? तो बड़े सहज भाव से बोले कि नहीं, अपने घर के लिए एक क्यारा अलग लगा रखा है। इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति। जहर बांटकर पैसा मिल रहा है लेकिन उसको दूसरों को जहर मिल रहा है, मेरे घर पे नहीं है इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, नकली दूध बना सकता हूं, नकली घी बेच सकता हूं, मिलावट कर सकता हूं, नकली दवा बेच सकता हूं, सब कुछ किस लिए हो रहा है? पैसा मिलता है। इस पैसे के लिए जब करने लगते हैं तो व्यक्ति भी इस प्रकार से पैकेज से बनता है। अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने एक यहां पर अजमेर में सर्वेक्षण किया, अकेले वैशाली नगर क्षेत्र में 100 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों के अंदर अकेले माँ या बाप रहते हैं। वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, उनकी जब युवा अवस्था थी उस युवा अवस्था में उन्होंने बहुत धन कमाया है, बहुत अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी भी धन की कमी नहीं है, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए कोई ना कोई नौकर आता है। क्या उनके बेटे बेटी नहीं है? क्या हैं? सबके, लेकिन बेटे बेटी कहाँ हैं? बेटे बेटी विदेश में हैं। विदेश में क्यों हैं? क्योंकि अधिक बड़ा पैकेज वहीं मिलता है, वो पैकेज के लिए ही तैयार किए गए थे बचपन से, इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है, लेकिन उनके पैकेज में माँ बाप नहीं है। ये जो अवस्था अगर परिवारों की आई तो फिर जो पश्चिम के देश आज जिस पीड़ा को भुगत रहे हैं ऐसी पीड़ा अपने यहां पर भी आने वाली है। आपको आश्चर्य लगेगा जिस अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी की हम नकल करना चाहते हैं, उस अमेरिका के अकेले अमेरिका में 55% ऐसे बच्चे हैं जो एकल अभिभावकत्व में हैं, या तो उनका माँ है या बाप है, दोनों एक साथ किसी के पास नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, अपने यहां पर तो अगर बच्चे का एक बार नाम और पिता और
माँ का नाम लिख दिया तो उसको बदलवाने के लिए 21 प्रमाण पत्र लगते हैं। मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है 21 प्रमाण पत्र हो तो नाम में परिवर्तन होता है। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर प्रतिवर्ष बच्चे को एक आवेदन पत्र मिलता है जिसमें उसको माँ और बाप का नाम वापिस लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में माँ या बाप में से कोई बदल जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष नाम में परिवर्तन होता है। क्या वैसी अवस्था हम यह लाना चाहते हैं जिसके लिए भारत पहचाना जाता है? पिछले दिनों अपने यहां पर और जयपुर में लिटरेरी फेस्टिवल था, साहित्य का संगम, साहित्य कुंभ था। उस कार्यक्रम में अमेरिका की एक एंकर है, टीवी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसका बड़ा अच्छा नाम है, ओपरा विनफ्री, ऐसा उसका नाम है, ऐसे बड़े बड़े बालों वाली एक महिला, वो यहां आई थी, उस लिटरेरी फेस्टिवल में आई थी। वो जब आई थी तो मुंबई में उतरी, उसने लिखा है बाद में अखबार के अंदर, उसने लिखा कि मैं जब मुंबई में उतरी तो मैंने जीवन में पहली बार इतने अधिक लोगों को देखा एक साथ सड़क के ऊपर आते जाते, और उन लोगों को बहुत व्यवस्थित तरीके से आते जाते देखकर मुझे लगा कि भारत ये धर्म की बात नहीं करता, धर्म को जीता है। वो वहां मुंबई में जब गई थी तो वहां पर वास्तव में वे ऐश्वर्या राय उसकी मित्र है, उससे मिलने गई थी, उनके घर गई तो ऐश्वर्या राय को उस समय लड़की हुई थी, ये उस समय की घटना है। वो मिलने गई, जब वो मिलने के लिए गई तो वहां पर उनके माता पिता भी थे और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी थी, ऐसे चारों लोग मिले। वो जैसा अमेरिका में सोचती है, जैसा विचार करती है, वैसा ही उसने प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया कि तुम इन बूढ़े माँ बाप के साथ रहती हो, इससे तुम्हारी प्राइवेसी पर फर्क नहीं पड़ता? ऐसा प्रश्न किया उसने। तो अभिषेक बच्चन ने उत्तर दिया कि हमको तो आश्चर्य है कि तुम अपने माँ बाप के बिना कैसे रहती हो। यह उसका था। वो जब ओपरा विनफ्री वापस गई तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप भारत में आई और ऐसे ऐसे आपके अनुभव है, आपने हमको शेयर किए, आप यहां से क्या भाव लेकर जा रही हैं? तो उसने कहा और कुछ नहीं, मैं यहां से परिवार भाव लेकर जाऊंगी। ये परिवार क्या है? ये उदाहरण मैंने आपको क्यों बताया? ये उदाहरण मैंने बताया उस मुंबई का, और मुंबई में भी उस ग्लैमरस और जीवन का जिसको सर्वाधिक दोष देते हैं हम कि हमारी पीढ़ी को इन्होंने बिगाड़ दिया, जिनको हम दोष देते हैं ऐसे लोगों में भी, क्योंकि वो भारत में जन्मे हैं, इसलिए उस भारतीयता का, उस भारतीय दर्शन का अंश है, वो परिवार भाव उनके अंदर भी जीवित है। इतना गहरा हमारे यहां पर इस परिवार की कल्पना है, और इसलिए जो जो विकृतियां आना शुरू हुई है, इन विकृतियों को बचाकर इस परिवार भाव को कैसे बचाया जा सकता है, यह आज की अपने देश की आवश्यकता है। क्योंकि अपने यहां पर भी उस पाश्चात्य प्रभाव आने लगा है, अपने यहां पर भी डिंक फैमिली यह कल्पना आने लगी है। यह कल्पना विदेश की थी, अपने यहां पर भी आने लग गया। अपने यहां पर भी लोग जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हो, लिव इन रिलेशन, इसकी बात करने लगे हैं। इसलिए इस समय चिंता करने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह चिंता अगर हमने नहीं की तो परिवार में संस्कार देने का कार्य संभव नहीं होगा। अभी गत वर्ष अपने यहां कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर कॉन्वेंट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे 150 परिवारों का एक सम्मेलन किया। उन माता पिताओं की जो चिंताएं थी, वो चिंताएं पूरे देश की समान चिंताएं बनने वाली हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया। घरों के अंदर संवादहीनता बढ़ रही है, बच्चों को मोबाइल पर व्हाट्सएप और फेसबुक ये अधिक निकट और परिचित लगती है, परिवार की तरह लगती है, मित्र भाव की लगती है, मां बाप से संवादहीनता है।
आपस में बात नहीं होती। अर्थात जितना छोटा परिवार है उसके उपरांत भी वो और छोटे और सिमटते जा रहे हैं। इसके कारण से समाज में जो संस्कार देने की परिवार में व्यवस्था थी वो परिवार की व्यवस्था भी भंग हो रही है। देखिए जो युवा पति पत्नी हैं उनको कमाना है, अगर कमाएंगे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, कुटुंब कैसे पालेंगे, उसकी व्यवस्थाएं कैसे करेंगे, और इसलिए उनको कमाना है। ऐसा नहीं कि आज ही कमाना है, पहले भी कमाते थे। गांव में जाएंगे तो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, सर्वाधिक काम करते हैं। अपनी परंपरा रही है कि परिवार को ठीक प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम होना ही चाहिए ताकि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन जब अगर व्यक्ति परिवार में केवल कमाने का काम करेगा तो संस्कार देने का काम नहीं कर सकता, दोनों काम साथ नहीं चल सकते क्योंकि समय नहीं बचता है। तो फिर अपनी व्यवस्था क्या थी? आप सब लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया होगा, जो बाल मन है उसका मनोविज्ञान अगर आपने समझा होगा, मैं एक बार अपने यहां पर और पुलिस लाइन में चिकित्सालय गया, पहले जो वहां पर चिकित्सक थे उनसे मैंने पूछा, आपके यहां पर बहुत लोग आते हैं, जो 60 वर्ष या अधिक आयु के लोग आते हैं वो किसके साथ आते हैं? तो उन्होंने आश्चर्यजनक बात बताई। उन्होंने कहा कि जो आते हैं 90% 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग आते हैं अपने पोते या पोती के साथ आते हैं, दोहते या दोहती के साथ आते हैं, वो लेकर आते हैं। ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ये है कि जो शिशु और बाल होता है वो जिज्ञासु वृत्ति का होता है, वो जानने की इच्छा रहती है, बहुत प्रश्न करता है। कई बार तो माँ बाप जो अपने काम में व्यस्त होते हैं खींच जाते हैं उनके प्रश्नों से, इतने प्रश्न करते। और जो बुजुर्ग है उसने जीवन भर का अनुभव लिया है, उसकी पीड़ा यह है कि कोई मेरी सुनता ही नहीं, कोई मेरे पास बैठता ही नहीं। जो युवा दंपति है वो बैठ नहीं सकते, उनके पास कमाने के लिए पूरा ध्यान देना है, तो फिर इस गैप को भरता कौन था? इसको भरने का काम करता था पोता और दादा, पोती और दादी। उनको सुनने के लिए चाहिए, उनको सुनाने के लिए चाहिए, दोनों का अच्छा संबंध बनता। और इसलिए जितनी कुल परंपरा है, जितना संस्कार का काम है, वो संस्कार का काम और कुल परंपरा और अभिभावक निश्चिंत होकर जा सके अपने काम के ऊपर, बच्चों की चिंता नहीं रहे, इसका काम नाना नानी और दादा दादी के पास था, तब हमको संस्कार की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप ध्यान करेंगे, अपने यहां पर कोई मदरसा नहीं चलता, कोई चर्च का संडे स्कूल नहीं चलता। उसके उपरांत भी हिंदू समाज की संस्कार व्यवस्था विश्व में सबसे अग्रणी रही। इसका कारण क्या था? इसका कारण था ये कुटुंब की पाठशाला, ये परिवार की पाठशाला। इस परिवार की पाठशाला ने वो संस्कार देने के काम किए, उसके कारण से हम सब अपने संस्कारों में अग्रणी थे, विश्व में खम ठोक कर कहते थे, एतद्देशे प्रसूतस्य शका साधक जन्मन स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। ऐसा कहना सरल काम नहीं है कि हमसे चरित्र की शिक्षा लो आकर। इतनी चरित्र की साधना करने का कारण हमारा परिवार था। यह जो परिवार व्यवस्था है जिसमें यह संस्कार व्यवस्था थी, यह भंग होने लगी है, इसको संभालने की आवश्यकता है। और इसके लिए वर्तमान परिस्थिति में वही बड़े कुटुंब लाना, यह एक बार हो सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि अपने काम के हिसाब से परिवार के चार भाई हैं तो चार भाई भी चार जगह काम करते हैं, एक संयुक्त परिवार और बड़ा कुटुंब, यह वर्तमान परिवेश में होना संभव नहीं है। और कोई भी पुरानी व्यवस्था ज्यों की त्यों वापस लाना यह संभव नहीं होता, आज गुरुकुल यह स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान परिवेश में कौन सा काम हम कर सकते हैं इस संस्कार व्यवस्था के लिए, यह विचार करना पड़ेगा, और इसलिए कुटुंब की नई परिकल्पना यह लाना पड़ेगा। इसके दो प्रकार हैं।
पहला प्रकार जो बहुत लोग इसको करते हैं कि यद्यपि वो तीन चार भाई अलग अलग जगह रहते होंगे लेकिन वर्ष में कुछ न कुछ अवसरों पर एक साथ किसी एक जगह एकत्रित होते हैं। ये परिवार भाव है। मैं एक परिवार में गया, उनके तो परिवार के इस देश में ही नहीं तो देश से बाहर भी रहते हैं, लेकिन उन सब लोगों ने एक समय तय कर रखा है। आप आश्चर्य करेंगे आधुनिक तकनीक का कैसा उपयोग हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परिवार गोष्ठी करते हैं, निश्चित समय पर रोज करते हैं। अब हमारा जो मोहल्ला है, जो बस्ती है, जो कॉलोनी है, उसको हमको एक बड़ा कुटुंब बनाना पड़ेगा। मास में कम से कम एक बार हम सब ऐसे उस कॉलोनी के, उस बस्ती के अधिकतम परिवार एक साथ बैठकर अपने परिवार के संस्कारों की चिंता कर सकते हैं। क्या किटी पार्टी नहीं करना है वहां पर? बाकी के जो आधुनिक जो दुष्संस्कार है उन सबको नहीं लाना है? ऐसे कार्यक्रम करने हैं जो पूरा परिवार बैठकर कर सकता है। ऐसे सामूहिक कार्यक्रम बच्चों को संस्कार देने के लिए आप कोई अच्छी कहानी सुना सकते हैं। अपने प्राचीन अच्छी कहानियां सुनाइए, आप उनको कोई चार श्लोक सिखा सकते हैं, श्लोक सिखाइए, आप जो कर सकते हैं, कोई एक देशभक्ति का गीत सिखा सकते हैं, गीत सिखाइए, कोई भजन सिखा सकते हैं, भजन सिखाइए, लेकिन एक घंटा उन संस्कारों की चिंता करने के लिए सामूहिक रूप से बैठ सकते हैं क्या? कम से कम महीने में, दो महीने में एक बार जितना संभव हो ऐसा प्रयत्न। और तीसरा काम करना है अपने घर में। अपने घर में बाकी समय सब लोग इधर उधर रहते हैं, क्या सप्ताह में एक दिन हम तय कर सकते हैं एक घंटा, केवल एक घंटा जिसमें परिवार के सब लोग बैठेंगे? यदि हम घर में पूजा आदि करते हैं तो उस दिन सामूहिक पूजा करेंगे। कोई सद ग्रंथ जो घर में हमारे रखा है उस सद ग्रंथ के एक दो पृष्ठ का वाचन करेंगे, बाकी सब सुनेंगे बैठकर। क्या घर में उस एक घंटे के लिए टीवी फ्री परिवार ऐसा बना सकते हैं क्या? ऐसा तय कर सकते हैं क्या कि टीवी के सामने बैठकर भोजन नहीं करेंगे? क्योंकि टीवी के सामने बैठकर आप सब बैठे हैं लेकिन सब अकेले हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्यक्रम आ रहा है उसने सबको बांध रखा है। इसलिए एक घंटा टीवी मुक्त, एक घंटा मोबाइल मुक्त, एक घंटा परिवार की चर्चा जब करेंगे तो राजनीति खेल इनकी चर्चा से मुक्त, किसी और कुटुंबी की आलोचना समालोचना से मुक्त, केवल अपने परिवार की बात, अपने संस्कारों की बात, अपने दुख सुख की बात, ये कर सकते हैं क्या? इसको कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। इसलिए ये तीन प्रकार जो मैंने बताए, ये आधुनिक काल के अंदर वो जो संयुक्त परिवार था उस संयुक्त परिवार का ही लाभ देने वाले कार्यक्रम है। हिंदू समाज ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का समाज है। संसार में केवल दो ही ऐसे देश हैं जिनकी सनातन परंपरा है, वो है चीन और भारत। भारत जो बचा है इसका कारण ही यह है कि अत्यंत लचीला समाज है, देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार करके अपनी व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करता है। वर्तमान काल के अंदर भी हम सब उनका विचार करके जो जो समस्याएं हमको दिखाई दे रही है उस समस्याओं को कोसने से काम नहीं चलता, उसके कारण से आत्मग्लानी पैदा होती है। हम ऐसे ही हैं, हम नहीं सुधर सकते, ऐसा भाव आता है। बच्चों को भी केवल जो कर रहे हैं उसे टोकते रहे, काम नहीं चलता। मेरी जेब में मोबाइल है और बच्चा मोबाइल का उपयोग नहीं करे, ऐसा संभव नहीं है। तब फिर तोड़ने की बजाय मोड़िए उसको। अगर हमने मोड़ दिया, दिशा दे दी, तो उसी का सदुपयोग कर सकते हैं।
वो सदुपयोग की ओर विचार करने की आज के समय में आवश्यकता है। ये जो तीन प्रकार मैंने बताए, फिर से मैं आपको स्मरण करवा रहा हूं। अगर हमारे परिजन दूरस्थ हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, तो कोई न कोई एक वर्ष में त्योहार या कोई भी प्रसंग हो सकता है, इस प्रसंग पर सब परिवार एक साथ मिलें, इसकी कोई व्यवस्था। दूसरा, अपनी कॉलोनी बस्ती जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर मास में, दो मास में कुछ परिवार, सब नहीं होंगे तो जितनों का मन मिलता है ऐसे परिवार बैठकर अपने परिवार संस्कार की व्यवस्था करें। तीसरा, कम से कम सप्ताह में एक बार सब परिजन एक साथ बैठकर अपने परिवार की चिंता करें, अपने परिवार के संस्कार की बात करें। उस दिन राजनीति की बात नहीं करना, दूरदर्शन नहीं देखना और उस एक घंटे के लिए मोबाइल बंद रखना। इतना काम अगर करें तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिवेश में हम अपने परिवार को संस्कार युक्त परिवार, आदर्श परिवार ऐसा बना सकते हैं। इतना ही आप सबको निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।